हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देखिए, ये मैं कंपोस्ट बनाई थी और लगभग 1-1.5 साल पुराना है और काफ़ी अच्छा रेडी हो गया है ये। और ये वीडियो काफ़ी पुराना है फ्रेंड्स, मैं अप्रैल में ये कंपोस्ट हटाई थी और तब से मैं रखी हूँ। और आज मैं जब पौधे लगाने के लिए निकाली हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। देखिए, इसको मैं चाल रही हूँ तो सोची कि मैं आप लोग से शेयर कर दूं। और देखिए कितना अच्छा कंपोस्ट बन के रेडी हुआ है। और ये इतना पुराना है कि मैं इसको कोई भी पौधा लगाऊंगी इसमें तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। तो इसलिए मैं फर्टिलाइज़र कम यूज करती हूँ, कंपोस्ट से काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। तो मैं सोची कि आप लोग से शेयर करूँ। और देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। और चाल के लगाने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है क्योंकि बार बार कोई इसमें पौधा नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सीड रहता है। और मैं जब सब्जियां काटती हूं तो अब इतना सीड निकालने का टाइम नहीं होता है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे तैसे ला के कंपोस्ट में डाल देती हूं और सब सीड निकलने लगते हैं। जितने भी वेजिटेबल मैं यूज करती हूं सभी का सीड इसमें है। तो चाल देने से क्या होगा कि सब सीड निकल जाएंगे और ये काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। देखिए चालने का क्या फ़ायदा है, अगर हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बिना कोकोपीट और सेंड मिलाए ही इसको हम लगा सकते हैं। और कोई भी पॉट में, जैसे छोटा पॉट है, जैसे मैं बॉटल में लगाती हूँ तो उसमें ये काफ़ी अच्छे ग्रोथ करते हैं। और कोई पौधा नहीं निकलेंगे तो जो पौधा मैं लगाती हूँ उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। और इसका रिजल्ट तो मैं आप लोग को दिखाते रहती हूँ कि कितना अच्छा बॉटल का ग्रोथ है पौधा का। देखिए जितने भी मोटे वाले हैं इनको भी मैं नहीं फेंकूँगी, क्योंकि जो कंपोस्ट मेरे बन रहे हैं उसमें डालूंगी तो फिर अच्छे से ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। और देखिए, चाहे जैसे आप गमले को कवर करते हैं, जैसे डैमेज होल को कवर करते हैं, तो उन सब में इनका यूज करने से काफ़ी अच्छा होल का डैमेज ठीक रहता है। तो मैं जितने भी गमले को कवर करती हूँ इसी से कर देती हूँ। ऐसे इसमें कुछ सीड भी है, अगर जो दिखते होंगे वो निकाल दूँगी। और देखिए कितने अच्छे कंपोस्ट बन गए, ना इसमें सेंड मिलाना है, ना कोकोपीट मिलाना है, कुछ भी नहीं मिलाना है और डायरेक्ट पौधा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मैं तो यही ऐसे ही पौधा को लगाती हूँ, मैं ज़्यादा अलग से सॉइल मिक्स नहीं करती हूँ। बस जब वीडियो बनाती हूँ तभी मैं सॉइल मिक्सचर दिखाती हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसी में पौधे को लगाती हूँ। और देखिए कितने अच्छे कंपोस्ट बने हैं। ठीक ही लोग इसको काला सोना बोलते हैं, सचमुच में काला सोना है, मेरे लिए तो सच में काला सोना है, क्योंकि काफ़ी पसीना बहाई हूँ इस कंपोस्ट बनाने में। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जब भी आंधी तूफान आते हैं तो ये बोरी गिर जाती है तो फिर से दूसरे बोरी में करती हूँ। तो सचमुच में ये मेरे लिए ब्लैक सोना है। और ये सब मेरे घर के चीज़ों से ही बना हुआ है तो इसको छूने में भी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और देखिए अब सबको मैं छोटे छोटे पॉट में लगाऊंगी और इसको रख दूंगी तो काफ़ी दिनों तक काम आ जाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा पौधा लगाना है कि सब मेरे लग जाएंगे पौधे में। और ऐसे ही मैं लगाती हूँ, पहले मेरे समझ में नहीं आता था फ्रेंड्स, मैं जैसे मन करता था वैसे लगा देती थी और काफ़ी पौधा निकलते रहता था इसमें। और अब मैं चाल के लगाऊंगी तो जो महीन सीड होंगे वही निकलेंगे, जो बड़े सीड होंगे वो नहीं निकलेंगे। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें कोई कंपोस्ट का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा काउडंग मिलाती हूँ और कुछ भी नहीं। और इतना ग्रीन रहता है मेरा पौधा, ना कोई ग्रीन नेट है ना कुछ है, फिर भी मेरे पौधे काफ़ी ग्रीन हैं। और आप देखेंगे और सबको चालूंगी, मेहनत तो काफ़ी लगता है फ्रेंड्स, मैं काफ़ी डांट भी सुनती हूँ कि इतना मेहनत क्यों करती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है अब बिना इसको किए हुए। ऐसा लगता है कि मुझे इनका आदत पड़ गया है। तो देखिए कितना अच्छा कंपोस्ट बन के मेरा रेडी हुआ है। और अब मैं कभी भी इसको लगाते रहूँगी, ज़्यादा चालना नहीं पड़ेगा। और अब रेनी सीजन आ गए हैं तो अब ज़्यादा कंपोस्ट भी अभी मैं नहीं यूज करूँगी। और ये देखिए एक दिन मैं और बनाई हूँ तो दूसरे दिन का अपडेट है, 2-3 बोरी मेरे निकले हुए थे और 2 बोरी मेरे ऊपर लगे हुए हैं, तो उसको भी मैं दूसरे कंटेनर में करूँगी। और देखिए ये सब जो लगाई थी पौधे कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे आंगन का, यहीं पर बैठ के मैं चाल रही हूँ। और एक कोलियस देखिए जो कटिंग से लगाई थी, कितने अच्छे ग्रो हो गए हैं, 10 से 15 प्लांट मेरा रेडी हो गए एक प्लांट से 2 महीने में। और देखिए ये सब कितने ग्रीन हैं। और ये सब कंपोस्ट का कमाल है फ्रेंड्स, अगर जगह है तो कंपोस्ट ज़रूर बनाइए, लेकिन रेनी सीजन में आप
मत बनाइए अगर कोई नया है तो। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।